नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। 9 नवंबर को राज्य अपना स्थापना दिवस मनाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए सीएम धामी ने सड़कों पर झाड़ू लगाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटन की दृष्टि से देवभूमि में देश विदेश से लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से प्रदेश को स्वच्छ रखने की भी अपील की है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। आज इस अवसर पर चूंकि नगर निगम में यह अभियान पिछले 25 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है, जैसा अभी घोषित जी ने बताया कि 15,000 से ज्यादा जो स्ट्रीट लाइटें खराब थी उनको ठीक किया गया है। जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया है। बीच में काफी सारे लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे, वो यातायात को लेकर, सफाई को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, और आने वाले समय में ये जो हमारा देहरादून शहर है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो अभी आने वाली हैं, क्योंकि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो जितनी संख्या आज देहरादून में आती है वो संख्या इसके जस्ट डबल होगी। और उस निमित्त हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, यातायात का भी ध्यान रखना होगा, बिजली व्यवस्थाएं, पेयजल व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, वो सब हमारे लिए चुनौती होंगी। तो इसमें हमारा जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है। और इसको लेकर जहां आज नगर निगम के अंतर्गत 90 GBP चिन्हित किए गए हैं और पूर्व में इन स्थानों पर डस्टबिन थे, किंतु अब इन स्थानों को डस्टबिन फ्री कर दिया गया है। अभी यहां से GBVP पर QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली यहां पर स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी GBVP से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर सीधे नगर निगम को प्रेषित कर सकते हैं और सीधे आपकी शिकायत वहां दिखने लगेगी, वो मॉनिटर होने लगेगी, और जहां भी सफाई की जरूरत है वहां पर नगर निगम उसके अनुरूप वहां पर जिनको भेजना होगा या कार्रवाई करेगा। साथ ही जो स्ट्रीट लाइटों के लिए भी जो है यहाँ QR कोड अभी उसको भी प्रारंभ किया गया है। कहीं पर कोई पोल टूटा हुआ है, कहीं तार गिरा हुआ है, या बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है, वहां भी उसकी उस पर भी शिकायत करने पर सीधे सीधे जो है ये होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी हम जो है GPS सिस्टम 1 महीने के अंदर लागू करेंगे कि वो गाड़ियां किन किन रास्तों पर जाती हैं, कहां कहां उनका एरिया तय किया गया है, उस पर एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। तो 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी होने से हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों पर शहर वासियों को, देहरादून वासियों को एक अच्छी सुविधा, जिसके कारण से ये जो हमारा संकल्प है कि देहरादून ग्रीन सिटी बने, एक क्लीन सिटी बने, और देश के जो प्रमुख शहर है जो सफाई के मानकों में देश के चुनिंदा शहरों में आते हैं, हमारा संकल्प है, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमारा देहरादून शहर उन देश के प्रमुख शहरों में से आए, और एक बार नहीं बार बार आए। तो ये केवल सरकार के, नगर निगम के, जिला प्रशासन के मात्र कहने से या अभियान चलाने से नहीं होगा, इसमें जन जन को सहभाग करना होगा, हर एक व्यक्ति को इसमें अपना सहभाग देना होगा। इसके साथ साथ CCTV के माध्यम से भी कई स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है, जिससे कि शहर में गंदगी न फैले। साथ ही जो सुंदर दून, स्वच्छ दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए 21 स्थानों पर जहां पर अतिक्रमण था या कोई जमीन सरकारी खाली थी उनको चिन्हित करके लोगों की सुविधा के लिए 21 जगह पर पार्किंग बनाने का भी ये निर्णय लिया है, पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से
आवागमन से लेकर तमाम आसपास के रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको करने के लिए एक स्थान मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि कल से हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले ये राजघाट से जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था और उसके 10 वर्ष पूरे हो गए। उसके पीछे भी हेतु था कि पूरा देश हमारा स्वच्छता की ओर जाए और दुनिया के जितने देशों ने भी आज प्रगति की है, उन्नति की है, उनकी गति बढ़ी है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या निवेश के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में या तमाम जो हमारे एक विकास के मानक होते हैं, उन विकास के मानकों में जो भी देश आगे बढ़े हैं उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रही है। और उसको ध्येय मानकर आज पूरी दुनिया के अंदर भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले का भारत एक भारत, ऐसा भारत जो अपने विश्व के मंचों पर अपनी बात नहीं कर पाता था और आज परिदृश्य बदला है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान स्थापित किया है। और हमारे राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है हम सभी लोग जानते हैं। हमको सभी योजनाएं भारत सरकार की जो भी हम डिमांड करते हैं या जो भी हमको आवश्यकता होती है वो सब मिलती है। है और ऐसे में छठ पूजा पर्व का भी लगातार पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं दिखाई पड़ी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। व्रती महिलाओं ने छठ मैया की पूजा कर सूर्य देव की आरती की। छठ पूजा के लिए सुबह देवभूमि के घाट दीपों की रोशनी में जगमगा उठते हैं। छठ व्रतियों ने रात 3 बजे से ही राजधानी के कई घाटों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। इस दौरान घाट पर शंख घंटी बजाकर सूर्य भगवान की आरती की गई और एक दूसरे को ठेकुआ का प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही व्रतियों ने घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा कर 36 घंटे का निचला व्रत भी पूरा किया है। छठ पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और स्टार्टिंग हमारी होती है लौकी और चने के दाल के साथ और बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महत्व तो क्या है इसका, क्या महत्व है? महत्व ये होता है इसके, जैसे किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए छठी माई अगर मन्नत मानो तो उनका पूरा करती है और अच्छे से उनका हर खुशी में वो मतलब हर खुशी पूरी करती है छठ माता। छठ बहुत पावन ही त्यौहार है, इसे हम हर साल मनाते हैं। छठ मनाते हैं इसलिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, जो भी मनसा हो वो अवश्य छठ माता पूर्ण करती है, इसलिए हम बहुत ही हर साल छठ पावन करते हैं। दिनचर्या क्या रहती है, कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं आप? 3 दिन पहले से। किस प्रकार से होता है कुछ बताइए। बताओ दीदी किस प्रकार से होता है? जैसे कि आप इसकी शुरुआत करते हैं, नहाए खाए से शुरुआत होता है ना, कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान प्राप्ति है, सभी प्रकार के लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारी जो कमियां हैं, अभी एक व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं थी लेकिन 10 वर्ष के पश्चात उसने इस षष्ठी मैया की पूजा की तो उसके लड़का पैदा हुआ। तो इस षष्ठी मैया की कृपा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, सब प्रकार से हम अपने जीवन को यशस्वी बलस्वी बनाना चाहते हैं। ये प्राचीन काल से ही छठ मैया का पूजा चली आ रही है और ये ऋषि मुनि के टाइम से सारे भारत में मनाई जाती है। बड़े उत्साह के साथ इसमें तब करते हैं और छठ मैया का सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक इसका उद्यापन करते हैं, इसका उद्यापन किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। मैं लगभग 30 वर्षों से इसी मंदिर में ये छठ मैया की पूजा करवा रहा हूँ। ये हर वर्ष दीपावली के कुछ समय बाद 4-5 दिन बाद ये छठ का पर्व होता है और ये भारत की संस्कृति है। भारत जो शब्द है 3 अंकों से बना, भा रहत है, ये रह शब्द जो है ये राम की परंपरा है, राम इसमें समाहित है, राम की संस्कृति है। यदि भारत में से रह को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, भात बचेगा। इसलिए हम लोग इस भारत की संस्कृति को, राम को जीते हैं। ये छठ का पर्व जो है बहुत ही सुखदायी पर्व है और हम सब लोग इसको बड़े ही आनंद उत्सव के मनाते हैं। ये
बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोगों का पर्व है। इसमें आप देखेंगे कि किसान लोग इसे जो है अपने घर में मनाते हैं। ये आज पूरे भारत का त्योहार हो गया है और हमारे जो शंकराचार्य थे उन्होंने यही संदेश दिया था कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम लोग जाएंगे और अपने त्योहारों को फैलाएंगे, अपने त्योहारों को मनाएंगे। ज्योतिर्मठ में छठ पर्व का धूमधाम से समापन हुआ है। नहाय खाय के साथ शुरू हुए इस पर्व के अंतिम दिन व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण समारोह और विशेष भंडारे के साथ ही छठ पूजा उत्सव का समापन भी किया गया है। चार दिन से जो छठ का आयोजन किया जा रहा था, यहाँ पर से बिहार से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत उत्साहवर्धन से छठ मैया की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज सूर्योदय के साथ ही छठ मैया का पूजा का समापन किया गया और मैं सभी देश प्रदेशवासियों को द्वापर युग में माता सीता ने किया था और त्रेता युग में द्रौपदी और भगवान ने किया था। तो कहीं ना कहीं छठ पूजा की शुरुआत होती है और छठ पूजा चार दिवसीय त्यौहार है, जिसमें चार दिनों तक व्रत किया जाता है, आराधना किया जाता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, मतलब कि नहाने किया जाता है। दूसरा दिन खरना होता है, इसमें सूर्य भगवान और छठी माता को न्योता दिया जाता है आने के। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बीते बृहस्पतिवार को 12,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक 13,29,000 तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बीकेटीसी ने कपाट बंद होने से पहले वैदिक पंच पूजाओं को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और अब कपाट बंद होने में भी समय कम है, तो क्या माने कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और किस तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है? देखिए, भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कल ही लगभग 12,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर दिए। इससे पूर्व जो है 11,000 श्रद्धालु आए थे। मतलब लगातार एक हफ्ते से अगर आप डाटा पर नजर दौड़ाएं तो लगभग 9,000 से 10,000 श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और खुशनुमा मौसम है और कार्तिक स्नान को लेकर के गजब का उत्साह जो है बद्रीपुरी में बना हुआ है। हालांकि अगर आज से बात की जाए तो लगभग 8 दिन का समय और शेष है अभी भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में। और बीकेटीसी के अनुमानन अगर देखा जाए तो लगभग 15,00,000 का आंकड़ा इस बार जो है छू सकता है भगवान बद्री विशाल के धाम में। और लगातार श्रद्धालु बड़े तादाद में पहुंच रहे हैं और बीकेटीसी ने जो विशेष वैदिक पूजाएं होती है कपाट बंद होने से पहले उसकी घोषणा भी कर दी है, उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। 13 नवंबर से जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले दिन गणेश पूजन होगा, उसके बाद गणेश भगवान श्री गणेश के कपाट बंद होंगे। इसके बाद से अन्य 4 दिनों में जो वैदिक परंपराएं आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है उनका निर्वहन करते हुए ठीक 17 नवंबर को जो है रात को जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है उस मुहूर्त पे जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वर्षों की लड़ाई और कई आंदोलनकारियों की शहादत के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद कभी प्रदेश में कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकारें रहीं, लेकिन आज भी उत्तराखंड वासियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बन पाया है। बड़ा सवाल है जिसका जवाब यूं ही नहीं दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है, वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। 42 आंदोलनकारियों की शहादत के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन जिस मकसद के साथ अलग राज्य की मांग की गयी थी, क्या वो पूरा हुआ या फिर उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल आज भी जिंदा है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ का मुद्दा सबके सामने है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला फिर से कोर्ट में है। वर्षों बाद भी सख्त भू कानून की मांग के मुद्दे पर आज भी सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर सियासत है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी क्या कहते हैं
इस पर विचार करने की जरूरत है। अल्मोड़ा हादसे के बाद बीजेपी की सरकार ने स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले बड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया, लेकिन देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन सीएम धामी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद से लेकर धर्मांतरण कानून तक और सख्त नकल विरुद्ध कानून से लेकर यूसीसी कानून तक का जिक्र किया। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में तेज रफ्तार से विकास पर जोर दिया है। भाइयों बहनों, तीन दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल हैं अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंड परिषद गठन की घोषणा की, साथ ही प्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आप जहां भी रहिए लेकिन साल में एक बार परिवार के साथ गांव जरूर आए, ताकि बाकी अन्य लोग भी गांव की ओर ध्यान दें। गांव में जब रौनक लौटेगी तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना बीजेपी सरकार का संकल्प है। सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है, और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में कई सवाल हैं। राज्य आंदोलनकारी वर्षों से 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे थे, लिहाजा धामी सरकार ने इसे लागू तो किया, लेकिन इसके विरोध में हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगा दी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण का आधार क्या है यह बताना होगा। इधर एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में ये बात सच है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया, लेकिन इस राज्य में जितना भी विकास हुआ है, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में देख लीजिए, चाहे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के रूप में आप देख लीजिए, चाहे सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप देख लीजिए, चाहे हरिद्वार देहरादून और ऊधम सिंह नगर में शिरपुर में उद्योगों के रूप में देखिए, सब के सब कांग्रेस की सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में केवल घोषणाएं हुई हैं, कोरे सबने जनता को दिखाए गए हैं, लेकिन धरातल पे विकास उतरा ही नहीं है। और 7 सालों से तो युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आज स्थिति यह है कि युवा आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हैं, बेटियां आज अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो 24 साल के उत्तराखंड में भाजपा के शासन ने आंदोलनकारियों के सपनों को पलीता लगाने का काम किया, और राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो, आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात हो, आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा देने की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और धामी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, महिलाओं को आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, आपदा प्रबंधन विभाग की पुनर्वास नीति में बदलाव करके
सहायता राशि दोगुनी करना, खाद्य पदार्थों में थूकने पर 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना, राज्य कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं और अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति सहित पंच केदार पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान का चयन बड़ा फैसला है। इसके अलावा केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, उधम सिंह नगर के खुरपिया में स्मार्ट औद्योगिक सिटी, ऑल वेदर रोड सहित कई योजनाओं पर काम जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीति आयोग की सतत विकास सहित कई अन्य रिपोर्ट में उत्तराखंड को कई मामलों में देश भर में पहला स्थान मिला है, लेकिन आज भी यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि पहाड़ के कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। मात्र 1,42,00,000 की आबादी वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष मिलाकर 69 विधायक हैं। बावजूद यह बात समझ से परे है कि इतना कुछ होते हुए भी पहाड़ में सुविधाएं क्यों नहीं है और शांत वादियों में रहने के बाद भी ज्यादातर लोगों का जीवन कष्टदायक क्यों है, विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसके तैयारियां में जिला प्रशासन भी जुटा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी गुरुवार को गोचर पहुंचे, जहां उन्होंने मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को 12 नवंबर तक व्यवस्थाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। गोचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो स्टॉल्स लगने हैं उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहां पे निर्मित कर दिया है और एक दो दिन में हैंगर का स्टेज का काम भी यहां पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहां पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई पट्टी की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। और इसके अतिरिक्त जो भी सुझाव लोकल कमेटियों से मिले थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। आशा है मेला अच्छा भव्य होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।